लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। कि पूरे देश में एक बयान को लेकर, सोचा समझा बयान जो महिलाओं के ऊपर दिया गया है, उनके कपड़ों पर दिया गया है, उस पर एक बवाल खड़ा हो चुका है। पूरे देश की महिला शक्ति आक्रोशित है। आप देखेंगे सोशल मीडिया, मीडिया के माध्यम से वो इस सोच के प्रति अपनी आवाज़ उठा रही हैं। ये सोच किसी और की नहीं, भाजपा के उत्तराखंड के नव नियुक्त, जिन्होंने अभी अभी हाल ही में संविधान की शपथ लेते हुए संवैधानिक पद, मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण किया है, तीरथ सिंह रावत जी का बयान है। ये पहली बार नहीं है, याद दिलाना चाहते हैं, बयानों की एक लड़ी है पूरी की पूरी। एक होता है कि अचानक एक शब्द आपसे निकल गया, उसकी शायद माफी हो सकती है कि अचानक गलती से एक शब्द निकला, लेकिन ये शब्द नहीं, बयान है, सोचा समझा बयान है, जो संघ और भाजपा की और संवैधानिक पदों पर बैठे उनके नेताओं की सोच को दर्शाता है। सबसे पहले शुरुआत करूंगी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। अगर शुरू करूं तो कोई भूल नहीं सकता, आज तक उसकी चर्चा है, जब उन्होंने, हमारे बीच में नहीं रही, सुनंदा पुष्कर जी को के लिए कहा था कि वह क्या गर्लफ्रेंड है, वह क्या गर्लफ्रेंड है, 50 करोड़ की ये गर्लफ्रेंड है। आप समझ रहे हैं, वहां से ये लड़ाई शुरू हुई। लेकिन वो बयान थम सकता था जब अपने ही बयान पर उसी समय माफी मांग ली होती, अपनी सोच पर पछतावा होता, उसे कभी ना दोहराने की बात करते, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ। दूसरा बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का, महिलाओं को तो सिर्फ गृहिणियां होना चाहिए, 21वीं सदी के भारत में हैं हम, महिलाएं अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर रेल, ट्रेन, सरहद पर, सेना में डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक बनकर इस देश की नींव को मजबूत करती हैं। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवती जी का बयान आता है, महिलाओं को तो सिर्फ गृहिणी होना चाहिए और पुरुषों का काम है महिलाओं की निगरानी करना और उनका पालन पोषण करना। ये मोहन भागवत जी का सोच है, संघ की सोच है महिलाओं के प्रति। तीसरे नंबर पर हरियाणा के अभी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का बयान, अगर आज़ादी चाहिए, जो महिलाएं आज़ादी की बात करती है, वो आज़ादी जो देश के संविधान ने देश की आधी आबादी महिलाओं को दी है, मनोहर लाल खट्टर जी भाजपा के हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं, अगर आज़ादी चाहिए तो कपड़े खोलकर निर्वस्त्र होकर घूमिए, आपसे आज़ादी मांगेंगे तो आपकी नज़र में आज़ादी का मतलब है कपड़े उतार देना और तब आप घूमिए और वो आज़ादी है उनकी नज़र में। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर, उनका बयान सुनिएगा, महिलाओं को आज़ाद और स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता है, इनकी बपोती है, इनकी गुलाम है, इनकी सोच सिर्फ ये कि महिला को मात्र गृहिणी होना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए और एक मशीन की तरह जब चाहे बच्चे पैदा करने चाहिए, चार दीवारी के अंदर बेड़ियां डालकर उन्हें गुलाम बनाकर आप उनका पूरी तरह से अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। ये बयान 21वीं सदी के हैं, ये वो भारत है जब किसी ने कभी पहली प्रधानमंत्री महिला सोचा नहीं होगा, इस भारत ने पहली महिला प्रधानमंत्री दी थी। ये वो भारत है जब कितने देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, यहाँ पर महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। आज ये कुंठित सोच और मानसिकता, और अब मैं आ रही हूँ जिस बयान पे बवाल है, वो बयान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, शर्मनाक है। कान पकड़कर पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, उठक बैठक लगाते हुए माफी मांग लीजिए, शायद महिलाएं आपको माफ कर दें। अगर ऐसा नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री जी और भाजपा के अध्यक्ष से मांग करते हैं तुरंत इन्हें, इनके पद से जो है वो हटाया जाए, नहीं तो ये जो बवाल है ये थमने वाला नहीं है। और ये सोच का कारण ही है कि आज देश में जो बलात्कार की, महिलाओं के साथ अत्याचार, उत्पीड़न की जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके पीछे
उसके पीछे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए ये नेता और इनकी सोच और इनकी मानसिकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस तरह की महिलाओं के प्रति सोच की कड़ी निंदा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि आप मुख्यमंत्री जी से कहिए अपने उत्तराखंड के तुरंत माफी मांगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको इन्हें बदलना होगा, वरना ये आंदोलन मैं कहकर जा रही हूँ, ये मैं नहीं, देश की आधी आबादी जो महिला शक्ति है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना रोष अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। और वो अब बैठने वाली नहीं है, क्योंकि अति हो चुकी है। अब वो सड़कों पर निकलेगी, आंदोलित होगी और भाजपा के एक एक नेता को जो है वो बेनकाब करेगी। ये हमारी बेटियों के कपड़ों की बात करते हैं तीरथ सिंह रावत जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, कहते हैं जो लड़कियां फटी जींस पहनती हैं वो संस्कारी नहीं हो सकती हैं, उनके आगे आने वाले बच्चे और पीढ़ी संस्कारी नहीं होगी। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, आपके 4 साल पूरे हुए सरकार के मुख्यमंत्री को आपको हटाना पड़ा, आपको जिम्मेदारी दी इसलिए कि जो भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत उत्तराखंड के लोगों ने उन्हें हटाने पर भाजपा को मजबूर किया, आप उस भ्रष्टाचार से लड़ेंगे।